नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। पीलीभीत मरौरी ब्लॉक के रूपपुर सैजना में ग्रामीणों ने किया सड़क निर्माण को लेकर प्रदर्शन। ग्रामीणों का कहना है कि 15 से 20 वर्षों से नहीं हुआ अभी तक सड़क का निर्माण। कई बार की जिम्मेदारों से शिकायत की, जो कि माना जाता है कि होली चौराहा गंदगी से है बुरा हाल। ग्राम प्रधान अधिकारी नहीं देते हैं कोई भी ध्यान। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रधान से शिकायत करने पर प्रधान करता है टाल मटोल, नहीं देता है कोई ध्यान। कई वर्षों से सड़क का है बुरा हाल, आखिर जिम्मेदार कौन, नहीं देता है कोई ध्यान। पूरा मामला तहसील पीलीभीत रूपपुर सैजना का है। पीलीभीत से इंद्रजीत सिंह राजपूत, जिला संवाददाता की खास रिपोर्ट। आइए नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। आज हम पहुंचे हैं पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत रूपपुर सैजना में और यहाँ पर देखिए कुछ समस्या ग्रामीणों से हमने बात की है, तो कुछ समस्या रोड निर्माण को लेकर बता रहे हैं जो कि कई सालों से कम नहीं तो 15-20 सालों से खराब पड़ा हुआ है। अभी तक किसी भी ग्राम प्रधान ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इनका कहना है कि वोट मांगने के समय लोग आते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या समस्या हो रही है। जी क्या नाम है आपका? जी क्या समस्या हो रही है? बड़ी समस्या आती है ना, चौमासे में दिक्कत होती है। चौमासे में दिक्कत होती है, कब से ये दिक्कत हो रही है? 15 साल से, कम से कम 15-20 साल से दिक्कत हो रही है। आपने इस रोड निर्माण को लेकर कहीं शिकायत किया है? अरे कहीं भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, किसी का है कोई तो देखिए इनका कहना है, शिकायत करते हैं पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। आइए और लोगों से बात करते हैं, कैमरामैन सुरेश के साथ हम कहेंगे आगे लेके आए। जी क्या नाम है माता जी आपका? बच्ची देवी जी। क्या मामला है, क्या समस्या हो रही हो? अरे निकलने की बहुत मुसीबत है बेटा, इसमें कीच में गिरते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। हाँ। जब जैसे इसमें पाँव फंस जाता है, अब बुढ़ापे पे तो अस्सी रस्सा चाहिए हमारे लिए। अच्छा, मगर अब अच्छी तो छोड़ो, वो खराब भी नहीं मिल रही है सही, सब में कीच रहती है। अच्छा, बारिश वूरिश होती है तो क्या हाल रहता है? बारिश होती है तो हम लोग डंडा के सहारे से निकलते हैं, नहीं निकल मिलता है। देखिए इनका कहना है बारिश होती है तो डंडे के सहारे से निकलते हैं, ऐसा जल भराव हो जाता है जिससे कि हमें अपने घर से निकलने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत बड़ी मुसीबत का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आइए और लोगों से बात करेंगे आगे। आइए कैमरामैन से कहूंगा मैं। क्या नाम है जी, क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ निकलने बहुत परेशान होती है जी। कब से कब से हो रही है? होलिका देवी इनके जो है, जब यहाँ ठौर है यहाँ इनकी जो बन जाए बढ़िया है। अच्छा, ये होलिका यहाँ होली चौराहा बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर होली चौराहा होने के बावजूद भी इधर कोई ध्यान नहीं देता है? कोई नहीं, कोई चौराहा नहीं बनाया, कोई भी अधिकारी, कोई नहीं। कोई अधिकारी से आपने इस संबंध में शिकायत की है? अरे किसी आए लोग तो सुना नहीं। अच्छा, सुनवाई कहीं कोई देखन भी नहीं आता है लल्ला। देखिए लोगों का कहना है, देखिए ये होली चौराया है और यहाँ पर बता रहे हैं कि होली चौराहे पर एक चौराया होना चाहिए, जिससे कि बड़ा चौराया होना चाहिए, पूरे गांव का ये होली चौराया है। और यहाँ पर देखिए इस रोड की स्थिति इतनी बुरी है जिससे कि वास्तव में हमें लग रहा है देख के कि हाँ बारिश के समय जलभराव हो जाता होगा, जिससे कि बहुत बड़ी इन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और इनका कहना है कि अधिकारी गढ़ों से हमने शिकायत की है पर अधिकारी गढ़ इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।